बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। तो गाइस आज की वीडियो है HKD मुफ्ती तारिक मसूद चैनल से और वीडियो का टॉपिक है अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करें बाई HKD मुफ्ती तारिक मसूद। ओके, तो मुफ्ती साहब की वीडियो है और आपको बताना चाहेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब का अपना चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस करके है, आप चाहो तो उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करें, किस किस बारे में बोले जा रहा है, मतलब क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला जा रहा है या किस बारे में बात हो रही है? अभी तक तो नहीं पता, मे बी वीडियो स्टार्ट करता है तो अच्छी नॉलेज मिलेगी, तो वो स्टार्ट करते हैं। सारा मौजू ही चेंज हो गया ये इधर आके, वो आमिलों पे बात आई थी, पीरों पे, जाहिल पीरों पे, तो सारा मौजू ही चेंज हो गया। जल्दी से बात समेट के ख़त्म करूं। अच्छा, घरों में भी यही माहौल है। अब्बा बाप जो है ना बेटे की खुराक, बेटे की तालीम पे इतना खर्च नहीं करता, बैरियर टाउन में 2 प्लॉट और ले लेगा वो। यानी पत्थरों की अहमियत, दीवारों की अहमियत इंसानों से बोलो भाई ज्यादा है। किराए के मकान पे रह के अच्छा खा ले, ना 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 ना, जाती मकान हो बेशक खाने के लिए ढंग की चीजें ना मिले। कई लोग मैंने देखा पैसा आया, मैंने कहा अच्छा खा लो, अब तो अल्लाह ने पैसा दे दिया है, कुछ तमीज की चीजें खा लो, जैतून वैतून ला के रखा करो, देसी घी खाओ, ठीक है ना, कुछ एक्सरसाइज करो, जिम जाया करो, थोड़ा वहां भी फीस दे दिया करो। नहीं भाई, पहले अपना मकान होना चाहिए, अपना मकान अपना ही होता है, दीवारों फिर अपना मकान बना के उसमें शो है, शोबाजी, लोग बोलेंगे माशाल्लाह जाती मकान, इतनी अच्छी गाड़ी, और थोड़ी देर में फिर इन्ना लिल्ला। मैंने कहा एक ब्लड प्रेशर की मशीन खरीद लो अल्लाह के बंदे, चेक कर लिया करो बीपी हाई हो रहता है तुम्हारा। ना 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 ना, वो भी नहीं खरीदेंगे, बस वो ठेकेदार और बहरिया टाउन की कीमतें रोजाना चेक करते रहेंगे बैठ के। नतीजा यही निकलता है कि थोड़े दिन में वो अपने मकान में तो सरिया डाला था, हड्डियों में का सरिया पुराना हो चुका है, उसकी रिपेयरिंग की फिक्र बोलो भाई नहीं। तो मकान तो मजबूत है और खुद का इन्ना लिल्ला है भाई, हो गया। तो यही हाल घर में भी होता है, बाप पैसे बचा बचा के, ना अच्छी एजुकेशन और ना बच्चों की खुराक अच्छी, सारा पैसा मकान बनाने में लगा दिया। और मस्जिद में भी यही होता है, मसाजिद की इंतजामिया, पैसे आते रहेंगे, डबल मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, एक और प्लॉट, मस्जिद बढ़ गई, फलाना हो गया, ये हो गया, वो बेचारे जो मस्जिद के मुलाजिमीन हैं वो क्या होते चले जाएंगे, वो फिर ज़कात और फितराने पे पल रहे होते हैं। और मदरसों में भी, बहुत से मदरसों में ऐसा होता है, मोहतमिम साहब बता ही नहीं रहे होते, हिसाब किताब ही नहीं रखते कि भाई कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सबको भाई मुझे आ रहा है ना, तुम क्यों पूछ रहे हैं भाई, मुझे बताए ना कहाँ आ रहा है। हालांकि मदरसा किसी के बाप की मिल्कियत थोड़ी है, वो तो एक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट में तो आपको बहुत से लोगों को इतमाद में लेके चलना पड़ेगा, ये तो वैसे ही गलत है भाई, कहां से आ रहा है, किधर जा रहा है बताओ। कुछ लोग तो, ये तो गवर्नमेंट का कानून भी है, शरीयत का भी मसला है, कम से कम 2 गवाह होना, जितने माली लेन देन हो अल्लाह कहते हैं कम से कम 2 आदमियों को गवाह बनाओ, तो किसी मदरसे में जितना चंदा आ रहा है कम से कम 2 आदमी उस पर गवाह होने चाहिए, कहां खर्च हो रहा है कम से कम 2 आदमियों को पता होना चाहिए, ताकि कोई इल्जाम लगाए ना मोहतमिम पर कि ये पैसा कहां गया। आज अगर किसी मोहतमिम से पूछते हैं ये पैसा कहां गया, कि तुम कौन होते हो पूछने वाले, वो ये जवाब देगा भाई अल्लाह ने जब 2 आदमियों के दरमियान माली लेन देन हो तो उस पर गवाह बनाने का और उसको लिखने का हुक्म दिया, तो आप तो लाखों लोगों के वकील हैं, लाखों लोग आप पे एतमाद कर रहे हैं और आप हजारों पे खर्च कर रहे हो, आपको किसने इजाजत दी है कि लिखत पढ़त के बगैर और गवाह के बगैर आप जो मर्जी करते चले, कोई हिसाब ही नहीं है, क्या ख्याल है भाई? नहीं यकीन आता कि जाके अपने किसी मदरसे से पूछे मोहतमिम साहब से, भाई वो पैसा कहां गया, कहां से आया, कहेगा आप कौन होते हो, कहते मैं तो नहीं होता लेकिन आपकी इंतजामिया के 2-4 लोग तो होंगे ना, तो उनको बता दें। बाज हर जगह नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, मदारिस में ज्यादातर तो हर चीज का हिसाब होता है, लेकिन बहुत से मदरसे ऐसे भी हैं, दुकानें चला रहे हैं वो, खास तौर पर जो छोटे छोटे चल रहे हैं ना,
लोग पूछते ही नहीं कि अब कहां से आ रहा है पैसा और कहां जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। चीजें फरोख्त हो रही हैं, मदरसे फरोख्त हो रहे हैं, सही है ना, मस्जिदें फरोख्त होती हैं, ट्रस्ट फरोख्त होते हैं। अल्लाह ने तो माली लेन देन में एक एक पाई के हिसाब रखने का हुक्म दिया है, एक एक पाई के। देखो मस्जिद में जितना चंदा आता है ना, मेरे पास जितना चंदा आता है मस्जिद का, यहां कोई, मैं सबसे पहले यहां हूं तो मैं बोलता हूं उनको जाके दो, वो सदर साहब, मैं चंदा, भाई मस्जिद का चंदे के लिए कमेटी बनी हुई है तो मैं क्यों लूं, मेरा मुझे क्यों दे रहे हो, उधर जाके दो। और अगर मुझे कोई मस्जिद में लाके देता है तो मैं पहले कहता हूं भाई इसकी रसीद कटवाओ, ये जरूरी है, तमाम मामलात में जरूरी है। एक अजीब भेड़ चाल चलाई हुई है। तो खैर ये बात पीरों पे चल रही थी, लेकिन पीर साहब का सिस्टम आजकल मार्केट में जाहिल पीर है उनका सिस्टम ऐसा है कि उनसे तो पूछना कुफर है, दायरे इस्लाम से खारिज हो गया अगर आपने पूछ लिया। तो खैर इबादत का मफहूम चल रहा था, बात समेट के खत्म करूं। इबादत का मतलब है किसी के ये नजरिया रख के, आखिर में बात में कहता हूं भाई मसाजिद के इंतजामिया को चाहिए अपने इमामों की तनख्वाहें बढ़ाएं और कोई सिस्टम बनाएं। रिटायरमेंट पे क्या होगा, तभी वो रिटायर नहीं होते इमाम लोग, अक्सर अक्सर इमाम रिटायर होते ही नहीं, वो कहते हैं अबे रिटायर हो गए तो जो तनख्वाह मिल रही है तो गई हमारी, ठीक है, तो वो बेचारे वो टीबी के मरीज हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, वो फिर भी आ रहे होंगे। बाज जगह ऐसे मसाइल होते हैं कि नमाज पढ़ाना जायज नहीं होता ऐसी बीमारी में, लेकिन बाज ऐसी रिपोर्टें आई हैं वो फिर भी पढ़ा देते हैं, यार हम घट गए तो हमारी तो तनख्वाह जाएगी। तो ये इंतजामिया को चाहिए भाई, जिसके इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, तो जैसे एक हुकूमत का कानून है ये कंपनियों में होता है, तो कुछ थोड़ा सा निजाम बनाना चाहिए। खैर जी जल्दी से बात को समेटते हैं, तो किसी के सामने बिल्कुल सही लगी बात मेरे को मुफ्ती साहब की, कि एक मतलब पेंशन का कहीं ना कहीं एक बनाना चाहिए कि जो जिसने सालों का रख लो, जिसने 20 साल 25 साल 30 साल खिदमत करी है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको एज हो जाती है, तो एक एज के बाद उनका कुछ ना कुछ 2,000 3,000 5,000 10,000 उनको लग जानी चाहिए पेंशन की, जो मस्जिद में जो भी देखते हैं पूरी जो कमेटी है उनको ही देना चाहिए। काफ़ी लोग हैं जो मस्जिदों में देते हैं, दान पुण्य करते हैं, काफ़ी लोग हैं, तो जब पैसा आता है, और बिल्कुल सही बात है, हिसाब किताब ना लाइफ में होना चाहिए, ना सिर्फ मस्जिद से या मदरसे को लेकर, हमें अपनी पर्सनल लाइफ में भी हिसाब किताब रखना चाहिए, हम भी रखते हैं, और होना चाहिए कि डेली क्या खर्चा हो रहा है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सब लिखना, मंथ एंड पे जाके देखो कि सबसे ज़्यादा आपका पूरे मंथ में कितनी अर्निंग हुई, कितना आपने खर्च किया, कितना सेव किया, ये बैलेंस शीट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अदरवाइज तो ऐसे चलने तो फिर कभी मज़ा नहीं आ पाएगा लाइफ में। मंथली निकालोगे ना कि हमें मंथ में 10,000 रुपये हमने घर के लिए निकालने हैं, 5,000 रुपये गाड़ी के लिए निकालने हैं, 10-15 हज़ार रुपये हमें मेडिकल के नाम पे निकालने हैं, 10-15 हज़ार हमें एजुकेशन के नाम पे निकालने हैं, फिर जो बचता है उसके बाद फिर हमें अपने लिए जो करना है, कपड़े लेने हैं, शॉपिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसे पहले मेन काम हो जाने चाहिए, पहले सेविंग आप अपने कि कहीं कुछ गोल्ड ले लिया, कुछ कुछ ले लिया, कुछ भी आप छोटा मोटा जो जो भी छोटी मोटी होती है ये ले लिया, उसके बाद फिर अपना देखो एजुकेशन का, हालांकि एजुकेशन पहले होनी चाहिए, एजुकेशन और मेडिकल इमरजेंसी ये पहले होनी चाहिए, उसके बाद बंदा देख के लास्ट में जब बचे ना कि भाई चलो इतने पैसे बचे हैं, अब हमने पूरा महीना निकालना है इतने पैसों से, और इतने में हमें अब अपनी शॉपिंग करनी है, ऐसा होना चाहिए, सिस्टमेटिकली चलो ना, तो बाद में एंड एंड ऑफ द मंथ सुकून मिलता है कि देखो मतलब ये सोचा था और इतने तक पहुंच गए हम। हालांकि ये चीज़ें अगर सोच सोच के चलो ना तो उतना तक पहुंच नहीं पाते, अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, लेकिन फिर भी सुकून मिल जाता है कि इतना हो गया तो अब ठीक है, ज़्यादा नहीं हो पाया तो, आजकल तो वैसे भी ज़्यादा खर्चा करो तो कुछ बचता ही नहीं, जितना मर्जी कमा भी लो तब भी कुछ नहीं बचता, तो बहुत मुश्किल हो गया आजकल तो, अमीर कह रही हूँ मैं, अमीर बनना बहुत मुश्किल आजकल, अमीर बनना बहुत मुश्किल, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले के जमाने में तो नहीं होता था ना ऐसे, पहले तो 100 रुपए का नोट भी बहुत बड़ा लगता था कि वाओ 100 रुपए मिला है आज, है ना। बताऊं क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है बट लोगों की ना सैलरी नहीं बढ़ रही,
लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अर्निंग के नाम पर तो उतना ही हो रहा है पर खर्चों के नाम पर खर्चे बढ़ रहे हैं, तो दुनिया की सैलरी नहीं बढ़ रही, बिजनेस में कमाई ज्यादा नहीं हो रही और खर्चे बढ़ रहे हैं, शो ऑफ ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक शो ऑफ ने हमें मार लिया वाकई। राइट, शो ऑफ नहीं, बहुत ज़्यादा खर्चा करवा रखा है। 5,000-5,000 रुपये के शूज़ पहन लेते हैं आजकल तो लोग, पता नहीं। और वाकई में भाई, वाकई में, हालांकि हमने भी गलतियां करी है बचपन में, छोटे होते हमने भी 4,000-4,500 के शूज़ पहने हुए हैं, बट वो गलती थी बचपन की। अब ऐसा नहीं है, जिसका शौक है पहनो भाई, जिसकी जिसकी पॉकेट उसको अलाउ कर रही है पहनो, और जिसकी नहीं कर रही तो वो शो ऑफ करने के लिए मत पहनो। अगर किसी की लाखों में सैलरी है, वो अफोर्ड कर सकता है 4,000-5,000 रुपए के शूज़ या कुछ भी ऐसा लग्जरी लिविंग, तो करो, कोई कोई उसमें इशू नहीं है। बट उस केस में है कि अपना सब कुछ पहले कर लो, ज़कात के पैसे निकाल लो, और हर चीज़ें का निकालने के बाद आपने जो करना करो, तो उसमें मना ही नहीं है। बट फिजूल खर्ची में मनाई है कि फिजूल खर्ची ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने ऊपर तो खर्च करो ही करो, क्योंकि हम अपने ऊपर नहीं खर्च करते, हम इधर उधर लगाने में लगे रहते हैं। बिल्कुल, तो पता चलता है कि अपने आप थोड़े टाइम में जाके हम बीमार हो गए और पैसा भी नहीं है। बिल्कुल। ये आजकल बहुत हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो HKD मुफ्ती तारिक मसूद चैनल से। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।